हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आप हैं शायद कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या, यहाँ पे तो विक्रांत को होना चाहिए था, प्रीटी सीरियस। बट आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है कि यह है आशिकी हैज बिकम ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार। अब जब बिंदास की टीम इतनी सारी कहानियां इंडिया के कोने कोने से लेकर आप तक लेकर आ रही है, उन्हें लोग भी तो ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ गया एट योर सर्विस। वेल, हमारे पिटारे में बहुत सारी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो अनदेखी अनसुनी, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि यार कहीं ना कहीं तो हमने ये इमोशंस एक्सपीरियंस किए या देखे हैं। वेल, इसी को लेकर ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास यह है आशिकी में मैं ऋत्विक धनजानी आप तक लेकर आ रहा हूं ऐसी ही कहानियां। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है, थोड़ी अलग, एक सेंसिटिव इशू पे बेस्ड। वेल, इंडिया में एक मर्द और एक औरत में कई सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनल नीड्स। और जितना ज्यादा एक मर्द के लिए इन इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हक एक औरत को भी हो। हमारे ये इशू, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव इसलिए है बिकॉज हमारे समाज में इस टॉपिक को देखकर अनदेखा किया जाता है, व्हिच इज प्रीटी सैड। You look so pretty. कहीं मेरे डॉक्टर दादा को पेशेंट मत बना देना। अच्छा ही तो है, इसी बहाने दिल के डॉक्टर को दिल की बातें समझ में आ जाएगी। हाँ, सॉरी बोगी, बट आप जो सोच रहे हो वो यहाँ कुछ आज होने नहीं वाला है। नहीं समझी? मतलब आज के दिन, आज की रात आपको थोड़ी और इंतजार की घड़ियां काटनी होंगी। है ना माँ? आज काल रात्रि है, आज के दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। सो आज की रात आपको मेरे साथ मेरे कमरे में रुकना पड़ेगा और सिर्फ मेरी शक्ल से काम चलाना पड़ेगा। चलो चलो अंदर चलो। बाकी आज बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं, मैं काफी थक गया हूँ और कल सुबह ना मेरी सर्जरीज भी बड़ी जल्दी हैं। मैं सो रहा हूँ, अभी तुम सो जाओ। हाँ,
मुझे मच्छी का अचार चाहिए। इसे हाथ मत लगाना। तुम्हें तो पता है ना दादा इनके बगैर खाना नहीं खा सकते। दादा को पता चलेगा ना मार भी धोरे। अरे बोधी तुम यू खाओ। अरे नहीं नहीं आप लोग खा लो, मैं तुम्हारे दादा के साथ खा लूंगी। तो भालोबाशा। बोधी दादा को आते आते आधी रात हो जाती है। This is not healthy. आपको खाना चाहिए। तुम कोशी के लिए वेट करती हो बहुत अच्छी बात। मैं जानती हूँ पापा कौशिक दिन भर बिजी रहता है, थका हुआ घर आता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दिन भर में बोर हो जाती होगी। अच्छा तुम दोनों बात कर रहे थे ना वो थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन के लिए, उसका कुछ पता चला? माँ सारी फॉर्मेलिटीज अच्छे से हो गई है। आज तुमने फिर खाना नहीं खाया। खा लिया। आज इमरजेंसी ऑपरेशन था तो मुझे रुकना पड़ा। इसे रोज का सीन होता है तो प्लीज इसलिए रुका मत। इट्स ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर लूंगी। पता है मुझे कोयल की कॉलेज में थर्ड ईयर में एडमिशन मिल गई है। अब बस कुछ ही दिनों में कॉलेज शुरू होने वाला है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड यू नो। तुम मुझे सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ। ये सब कुछ छोड़ो कौशिक। मैं अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ। अजीब तो नहीं लग रही? कम ऑन बोधी तुम्हें खूब भालो लग जो। हे नीर चल चल अन मेक मी फ्रेंड। हेलो हाउ यू डूइंग। हे हाउ यू डूइंग। लेट मी ओके शी इज माय बोधी आई मीन माय भाभी पाकी और शी इज अकांक्षा शी इज राग एंड दिस इज द वेरी हैंडसम नील। कौन हैंडसम? मैं? Come on, look at your body. I mean, wow. अगर तुम मिल्टन और शेक्सपियर के टाइम पे पैदा होती पता है क्या होता? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ लिख दिया होता और हमारा सिलेबस बहुत सारा बढ़ जाता। नील, and dude, try this somewhere else, okay? She's my भाभी। She smiled at it. वैसे भी जोक तुम्हारी भाभी के लिए था। ये जोक था मेरी नई फ्रेंड पाकी की। Hi. Hi, I'm नील। Welcome to the class. And you indeed are very beautiful. मुझे लगता है हमारे poetry के lessons समझना काफी आसान है। हो गया? Let's go now. चले। Come on, let's do it. Hey, let's. Let's. Guys, one second. Hey, why don't you guys join us? We yeah come on be a sport yeah yeah nahi okay what ha chalo na chalo it will be fun you sure chalo. All right let's do it. Bodhi it's your turn now. Chuta de truth truth kya puche okay I have a question for you aap batao दादा को आप में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? बोलो बोलो ना बोधी।
अरे आस्क टू स्पीक नाउ आंसर बोधी बोधी बोलो टेल मी बोधी बताओ प्लीज बोधी सबसे अच्छी चीज लाइक व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक इन लाइफ अब इतना भी पर्सनल नहीं है प्लीज बताओ गाइस दिस इज टू सिंपल हां लेट्स मेक इट मोर डिफिकल्ट लेट्स मेक इट मोर फन एज इन कंसीडरिंग दैट शी हार्डली स्पीक्स व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग वेल दैट्स अ ग्रेट आइडिया बोधी नाउ यू विल हैव टू सिंग फॉर अस कम ऑन हाँ बोधी गाओ ना विच एवर सॉन्ग योर चॉइस बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां ये फितूर जो सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो किसकी मचाल कोई रोक ले किसकी मचाल कोई टोक दे इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी ये आशिकी बेबाक भी ये आशिकी वाओ पाखी तुम्हें पता है कोयल तुम्हारा नाम होना चाहिए था तुम्हारा नहीं यू सीम सो ब्यूटीफुल यार इट्स अमेजिंग तुम्हें पता है मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई एक्सक्यूज मी आई मीन एक सिंगर की मुझे अपने कॉलेज बैंड के लिए एक सिंगर चाहिए थी वो मुझे मिल गई और वैसे भी हमारा एक इवेंट आ रहा है कम ऑन हम अपना नया टैलेंट उसमें शोकेस करेंगे नहीं नहीं देखो नहीं मैं सिर्फ ना गुनगुना लेती हूं मैं नहीं नहीं आई कांट डू दैट बिल्कुल झूठ बोधी बहुत अच्छा गाती है नीर शी सिंग्स रियली वेल मैंने उन्हें कितनी बार घर पे गाते हुए सुना है बोधी कम ऑन इट विल बी ग्रेट सच्ची नहीं नहीं मेरी बात सुनो देखो मैंने कभी भी पब्लिक में ऐसे अकेले नहीं गाया है आई कांट डू इट तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये आपके साथ ड्यूएट गा लेगा तो कम ऑन बोधी जस्ट से यस 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 प्लीज 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 आगे 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 ओके ओके इफ यू गाइस इंसिस्ट Hi Pak, how are you? What's up? Actually, बस ये नील की बुक वापस करनी थी. Is he there? Yeah, he's there. Come on, come. अच्छा, listen, he's in shower. He'll come in 2 minutes. Okay. Yeah. I have to go. See you later. Bye bye. शर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां बेशर्मियां बर्बाद हो गया हा, हा, ब, ब, तुम कब आई बस अभी अभी तुमने मेरा हॉट एंड सेक्सी गाना भी सुना क्या I must say I'm very very disappointed क्योंकि मुझे लगा कि तुम म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो Hey, come on. मैं म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के साथ साथ बाथरूम सिंगिंग सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट हूँ समझे तुम हम पता क्या करते हैं हम गाने रिकॉर्ड करते हैं और वो प्ले करते हैं और जो सबसे अच्छा गाता है उस... एक सेकेंड मैं तुम देख सकती हो मैंने कपड़े पहन लिए Okay, see, it wasn't that bad, huh? It was.
was very bad. It's not that bad. Pagi, listen to me. Pagi, I'm... Barbadia, Bisharmia. It's not that bad. Main duet gaane ki soch raha hu. Tum mere saath gaoge, pata hai tumhe? You have. Hello? Is it that? Tum ro rahe ho, has rahe ho? Hello? Oh my god. Mere pet mein dard ho gaya. Mujhe yaad bhi nahi hai ki मैं इतना पिछली बार कब हंसी थी. काफी अच्छी लगती हो तुम हंसते हो. थैंक यू. पता है मैं कॉलेज के एक इवेंट में गाना गा रही हूँ. अच्छा. हाँ, कोयल के एक दोस्त ने मुझे गाते हुए सुना एंड ही थॉट दैट आई वुड बी परफेक्ट फॉर द शो. आज भी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं. मैं बहुत थक गया हूं. मैं सोने जा रहा हूं. कौशिक, क्या बात है, पिछले 6 महीने से हर रात. कल सुबह सर्जरीज है, गुड नाइट. हमारे बीच बस इतनी सी बात होती है. व्हाट इज इट? क्या मुझ में कोई कमी है? तो प्लीज टेल. क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं या फिर जैसी चाहिए थी वैसी नहीं? जस्ट टेल मी. बाकी मैं बहुत थक गया हूं, प्लीज स्टॉप इट. क्या तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी लड़की? बाकी बकवास बंद करो और जितना दिमाग दिया ना उतना ही चलाओ. लाख कोशिशों के बाद भी बाकी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी. उसने हर वो चीज जो एक अच्छी पत्नी को करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में उसे मिला क्या? अकेलापन. जिस मुस्कुराहट की वजह तुम होने चाहिए थे, आज उसकी वजह कोई और है. ऐसा क्यों है? बस प्यार ही तो मांग रही हूं ना तुमसे. हर एक हस्बैंड का प्यार पाना तो हर वाइफ का हक होता है ना. इसमें गलत क्या है? 6 महीने से बस इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम भी मुझे अपना लो, मुझसे प्यार करो. हर वेट करते करते थक गई हूँ.
राखी की पसंद है नहीं नील नहीं यार पढ़ सकता हूँ ना नहीं डायरी तो है यार क्या है जिस मुस्कुराहट की वजह तुम होने चाहिए थे आज उसकी वजह कोई और है ऐसा क्यों है बस प्यार ही तो मांग रही हूँ ना तुमसे कौशिक और एक हस्बैंड का प्यार पाना तो हर वाइफ का हक होता है ना इसमें गलत क्या है 6 महीने से बस इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम भी मुझे अपना लोगे मुझसे प्यार करोगे और अब वेट करते करते थक गई हूँ मैं कौशिक तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? वो एक्चुअली मैं छाता लाना भूल गई बस ड्राइवर का वेट कर रही हूँ तो कैफेटेरिया में चल के वेट कर लेते हैं नहीं नहीं इट्स ओके आई एम ऑल राइट तुम जाओ तुम क्यों भीग रहे हो तुम भी तो भीग रही हो अरे लेकिन तुम बीमार पड़ जाओगे तुम बीमार नहीं पड़ोगी एक काम करते हैं इससे पहले हम दोनों बीमार हो जाएं, कैफेटेरिया चल के गरम गरम कॉफी पीते हैं ऑल राइट क्या हुआ कौशिक तुम खा क्यों नहीं रहे आज मैंने स्पेशली तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई मेरे मच्छी का अचार का है वो खत्म हो गया है मैं कल ले आऊंगी खत्म हो गया तुम्हें पता है मैं खाना मच्छी के अचार के बिना खाता नहीं और तुम कह रही हो खत्म हो गया कितना ध्यान रखती हो तुम मेरे खाने का मुझे नहीं एक मिनट कौशिक तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ या नहीं क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा क्या मुझे कभी समझने की कोशिश की एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर देखा कौशिक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं प्लीज ट्रीट मी लाइक योर वाइफ क्या हमारे बीच कुछ भी पति पत्नी जैसा है क्या कर रही हो तुम बाकी जब मैं काम से वापस आता हूं मुझे सिर्फ खाना खाना होता है और चैन की नींद चाहिए बस अगर तुम मुझे इतना नहीं दे सकती तो प्लीज टेल मी मैं घर नहीं आया करूंगा और ये क्या आई नीड यू लगा रखा है ये जो प्यार की बात करती हो ना तुम दैट्स जस्ट डेस्परेशन दिस इज ऑल नॉनसेंस मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी बुलाते हुए नील बोलो क्या अर्जेंट बात करनी थी देखो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ अगर अर्जेंट नहीं है तो आई लव यू आई सेड इट फाइनली नॉट बैड नील गुड जॉब ऑलराइट अब मैंने तुम्हें इतनी अर्जेंट बात बता दी है तो हम बाकी सारी बातें आराम से बैठ के करेंगे ऑलराइट हमें काम नील तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो आई एम अ मैरिड वुमन हाँ पता है तुम्हारे माथे पे रोज जो सिंदूर ये देखता हूँ और ये भी पता है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था आई फेल इन लव विद यू
वैसे तो प्लान ये था कि मैं कभी ये बात तुमसे शेयर नहीं करने वाला था, लेकिन ये डायरी जो तुम रिहर्सल हॉल में भूल गई थी, इसने How dare you read my diary? पाकी, I'm sorry. हाँ? पाकी. How dare you? पाकी, I'm sorry. पाकी, I'm sorry. पाकी, पाकी, listen to me. I'm really sorry about this. मुझे Please. पाकी, please listen to me. Please me. पाकी, please listen to me once. I'm sorry. मुझे तुम्हारी ये डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा ऐसे सफा करना भी तो ठीक नहीं है ना. You deserve to be happy. Don't you? You. Listen to me once. You know what? I'm happy कि मैंने तुम्हारी वो डायरी पढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट था कि मैं जो भी कर रहा हूं शायद गलत है, लेकिन इस डायरी ने मुझे बताया कि मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल सही है. और इस डायरी ने मुझे यह भी बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो. Just say it. जो भी बात तुमने डायरी में लिखी है, just say it once. Okay. Don't you love me? Please एक बार बोल दो. Don't you love me? Say it. It's all right. Baki, you can say it. Don't you love me? बाकी प्लीज से इट. अपने कानों से सुनना चाहता हूँ. प्लीज से इट बाकी. वन से इट. नील, तुम्हें क्या लगता है मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत? पाकी, लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें लगता है गलत है तो गलत है. तुम्हारा दिल क्या कहता है?
अंधी हूं मैं? देखो पाकी, सोसाइटी में हमारी इज्जत है और ये इज्जत हमें ऐसे ही नहीं मिली, कमाई है हमने बेटा। पाकी, तुम्हारी वजह से अगर इस इज्जत पे आंच भी आई ना, मम्मी मैं जानती हूँ कि अब तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रही, पर आप भी जानती हैं कि आपने वो सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप अपने बेटे की असलियत जानती हैं, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी यहाँ गलती मैंने नहीं की। पाखी, देखना चाहती हूँ ना मैं कितना बड़ा आदमी बन सकता हूँ। छोड़ो मुझे कौशिक, छोड़ो। क्यों छोड़ूं? मर्दानगी देखना चाहती हूँ ना मेरी। छोड़ो, आदमी बनना चाहता हूँ। ठीक है, मर्दानगी दिखाना चाहते हो ना, दिखाओ। प्रूव करना चाहते हो ना, आई एम योर वाइफ। जो प्रूव करना है अभी करो। सच्चाई तो ये है कि तुम चाहके भी मुझे प्यार नहीं दे सकते, फिर क्यों कर रहे हो ये दिखावा? हाँ मुझे वो प्यार चाहिए, हाँ मुझे वो प्यार का एहसास चाहिए जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इमोशनली मेंटली कितनी बार मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है जब तुम कभी भी मेरे आसपास नहीं। कम ऑन कौशिक, बी अ मैन। क्यों नहीं कर लेते एक्सेप्ट कि तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते? शर्म मत बनो और बकवास बंद करो अपनी, समझी? बकवास बंद करो। शर्म? एक पत्नी का हक मांगने में मुझे शर्म आनी चाहिए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हें खुद को इस तरह से मर्द साबित करना पड़ रहा है। अरे क्या साबित करना है मुझे? बोलो क्या साबित करना है मुझे? एक घर दिया है, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया है, कॉलेज जाना था कॉलेज जाने दिया, सब कुछ तो दिया तुम्हें, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे प्यार चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आप हैं शायद कंफ्यूज्ड क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या, यहाँ पे तो विक्रांत को होना चाहिए था, थोड़ी सीरियस। बट आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है कि यह है आशिकी हैज बिकम ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार। अब जब बिंदास की टीम इतनी सारी कहानियां इंडिया के कोने कोने से लेकर आप तक लेकर आ रही है, उन्हें लोग भी तो ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ गया, एट योर सर्विस। वेल, हमारे पिटारे में बहुत सारी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो अनदेखी अनसुनी, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि यार कहीं ना कहीं तो हमने ये इमोशंस एक्सपीरियंस किए या देखे। वेल, इसी को लेकर ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास यह आशिकी में मैं ऋत्विक धनजानी आप तक लेकर आ रहा हूं ऐसी ही कहानियां। और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है, थोड़ी अलग, एक सेंसिटिव इशू पे बेस्ड। वेल, इंडिया में एक मर्द और एक औरत में कई सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनल नीड्स। और जितना ज्यादा एक मर्द के लिए इन इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हक एक औरत को भी है। हमारे ये इशू, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव इसलिए है बिकॉज हमारे समाज में इस टॉपिक को देखकर अनदेखा किया जाता है, व्हिच इज प्रीटी सैड। है
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आप हैं शायद कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या, यहाँ पे तो विक्रांत को होना चाहिए था, थोड़ी सीरियस, बट आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है कि यह आशिकी हैज बिकम ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार। अब जब बिंदास की टीम इतनी सारी कहानियां इंडिया के कोने कोने से लेकर आप तक लेकर आ रही है, उन्हें लोग भी तो ज्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ गया, एट योर सर्विस। वेल, हमारे पिटारे में बहुत सारी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो अनदेखी अनसुनी, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि यार कहीं ना कहीं तो हमने ये इमोशंस एक्सपीरियंस किए या देखे। वेल, इसी को लेकर ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास यह आशिकी में मैं ऋत्विक धनजानी आप तक लेकर आ रहा हूं ऐसी ही कहानी, और आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है, थोड़ी अलग, एक सेंसिटिव इशू पे बेस्ड। वेल, इंडिया में एक मर्द और एक औरत में कई सारी सिमिलैरिटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल नीड्स, और जितना ज्यादा एक मर्द के लिए इन इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हक एक औरत को भी है। हमारे ये इशू, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव इसलिए है बिकॉज हमारे समाज में इस टॉपिक को देखकर अनदेखा किया जाता है, व्हिच इज प्रीटी सैड। You look so pretty. कहीं मेरे डॉक्टर दादा को पेशेंट मत बना देना। अच्छा ही तो है। इसी बहाने दिल के डॉक्टर को दिल की बातें समझ में आ जाएगी, हाँ? सॉरी बोगी, बट आप जो सोच रहे हो वो यहाँ कुछ आज होने नहीं वाला है। And we are soon to be engaged. Yeah, Ashiqui.